वंदना की फैज साहब ने और आदरणीय विनोद प्रकाश गुप्ता जी आपसे मुखातिब होना चाहेंगे। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, वो आएं। मैं डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता, अध्यक्ष नवल प्रयास शिमला। मुझे खुशी है कि भारतीय जो साहित्य विकास मंच है, उन्होंने उनके साथ हमारा मिलान हुआ। मैं दो तीन बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि काफ़ी लोग पढ़ने वाले हैं और इसमें अगर हम टाइम का थोड़ा सा मैनेजमेंट करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। ये अतिथियों के ऊपर लागू नहीं होता नियम, क्योंकि उनका पढ़ना, उनसे सीखना है हमने, वो कैसे पढ़ते हैं, कैसे वो हैं, तो आपको मज़ा आएगा। उनको जितने मर्जी टाइम वो ले लें इसमें। और दूसरी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो पिछला मैंने मुशायरा, मैंने शेषधर तिवाड़ी जी से भी ये बात कही कि अध्यक्ष और जो हमारी चीफ गेस्ट थी, वो दोनों थोड़े थोड़े नींद में थे। मैं चाहूँगा कि हमारे जो अध्यक्ष और बड़े कवि हैं, वो नींद में ना रहें, वो उनको दाद दें जब तक, क्योंकि जब आपका कुनबा बढ़ेगा, शायरी करने वालों का कुनबा बढ़ेगा, तभी आपकी औकात बढ़ेगी, तभी आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, वरना धीरे धीरे भाषाएं मर जाती हैं, गीत मर जाते हैं। अब संस्कृत के तो कोई पढ़ता नहीं है, तो कम से कम उर्दू ने तो रिजुमिनेट किया है वर्ल्ड वाइड। ये मैं आपको ऐसे आंकड़े बता रहा हूँ कि उर्दू की जो शायरी है और हिंदी के साथ मिलके उन्होंने बड़े गुल खिलाए हैं, उनमें बड़े बड़े नाम यहाँ पैदा हुए हैं और यहाँ बैठे हैं जिनसे हमने ये सीखनी है। और दूसरे, हमें दाद दें सर, हो सकता है हमें बहुत गलतियाँ हों। तो मेरा, मैं आप सबका अपने नवल प्रयास की तरफ से स्वागत करता हूँ। मुझसे जो भी बन पड़ेगा, जैसा विजय मेरे गुरु हैं, तो जैसा ये मुझे आदेश देते हैं, मैं वो इनके आदेश का पालन बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ कि अगर ये मेरा अंगूठा मांगे तो मैं अंगूठा भी दे दूँगा इनको, ठीक है ना? तो हाँ, नहीं नहीं है, ये बात ही है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि भाई, और ख़ासकर जो तरन्नुम में गाते हैं, भाई वो ऐसे ना बहक जाएँ कि भाई तरन्नुम, आधा घंटा तक तरन्नुम होती रहे यहाँ पे। और जितने भी लोग आए हैं उनमें बहुत कमियाँ हैं, वो बड़े कोई एक्सपर्ट नहीं हैं, काफ़ी अच्छी गज़ल लिखते हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के, जो बड़े बड़े शायर यहाँ हैं, वो उनकी हौसला अफजाई करें पूरी। हाँ, और अभी मेरे जो फ्रेंड और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी और उनकी वाइफ 3:30 बजे तक पहुंच जाएंगे यहाँ पे, तो वो भी आपको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।